श्री भगवान श्री राम के चरित्र की पूर्णता यही है कि उसमें जीवन के सारे पक्ष आलोकित होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जीवन की एक दिशा एक महानता उनके चरित्र में त्याग की महिमा दृष्टिगोचर हो रही हो, वैराग्य की महिमा दृष्टिगोचर हो रही हो, ऐसा नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ये कहते हैं कि श्री राम साक्षात ब्रह्म है और ब्रह्म के चिंतन से ब्रह्म से एकाकार होकर हमें मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन वो परमार्थ के साथ साथ व्यवहार में भी जब अंगद भगवान श्री राम से विदा लेते हैं या ये कहीं उन्हें विदा किया जाता है और जब वो वहां से चलने लगते हैं तो उनके मनस्चक्षुओं के सामने उनके उनके मन में कौन से दृश्य आ रहे हैं, वो समय ने यही कहा कि जब वो चल रहे हैं तो राम विलोकन श्री राम कैसे देखते हैं और श्री राम कैसे बोलते हैं, श्री राम कैसे चलते हैं, राम विलोकन बोलन चलनी, और फिर जब भगवान राम मुस्कुराते हैं तो कैसे मुस्कुराते हैं, और भगवान राम जब किसी को हृदय से लगाते हैं तो वो कैसा होता है। बस बार बार उसी का स्मरण करते हुए राम विलोकन बोलन चलनी सुमिली सुमिली सोचत हस मिलनी, मानो वो क्षण जिस तरह से प्रभु को उन्होंने देखा बोलते हुए चलते हुए मुस्कुराते हुए हृदय से लगाते हुए उनके हृदय में ऐसा अंकित है कि वे उसी की स्मृति में डूबे हुए चले जा रहे हैं, न चाह करके भी वहां जा रहे हैं जहां पर उन्हें चाहते थे, घर नहीं लौटना चाहते थे। उन्होंने तो श्री राम से यही कहा कि प्रभु आप कृपा करके स्मरण करें कि मेरे पिता की मृत्यु होने लगी तो उन्होंने आपके हाथों में मेरा हाथ दे दिया था और आपके प्रति समर्पित कर दिया था, मरते वे ना तुम्हें बाली गए वो तुम्हारे ही पोछे बाली। हे प्रभु जब वो आपके करकमलों में मुझे दे गए तो आप कृपा करके मुझे अब घर जाने के लिए मत कहिए, मैं बस यहीं रहूंगा और बस जो भी मुझे सेवा दी जाएगी जो भी कार्य मुझसे करने के लिए कहा जाएगा कि नीच तहर गृह कह सब करी हूं पद पंकज बिलो की भवतर हो तरी हो और सब परिचरण रहे गरी पाही अब नाथ कहो गृह लाए। पर प्रभु इतनी निकुल प्रार्थना सुन करके भी बांस यही लगा कि कुछ कठोर से दिखाई दे रहे, इतनी करोड़ प्रार्थना सुनने के बाद वे अंगद की इच्छा पूर्ण नहीं करते। अंगद यदि नहीं घर लौटना चाहते तो प्रभु क्यों ने बात कर रहे हैं कि तुम अब चले जाओ घर जाओ। और इसका तात्पर्य कि भगवान श्री राम का जो चरित्र है उनका जो आदर्श है वह मानव मनुष्य को हर दिशा में प्रेरित करता है और उस प्रेरणा का मूल उद्देश्य क्या होता है वे जानते हैं। व्यक्ति का मन ऐसा अनोखा है और अलग अलग व्यक्तियों के मन में भिन्नता होती है और जो अलग अलग प्रकार के मन वाले व्यक्ति हैं अगर उन सबको एक ही प्रकार की साधना बता दी जाए ऐसा कई बार होता है। कई श्रेष्ठ पुरुष भी कई महात्मा भी उनका आग्रह होता है किसी सिद्धांत में किसी पद्धति में किसी मान्यता में और अपने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वो वही उपदेश देते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारे कल्याण के लिए यही एकमात्र उपाय है और अपने स्थान पर उनका अनुभव सही हो सकता है और होता ही है। लेकिन यह तो आवश्यक नहीं है कि एक महापुरुष या एक श्रेष्ठ व्यक्ति को जिस मार्ग पर चल करके सफलता मिली दूसरे व्यक्ति के लिए भी वह उपयोगी हो। वह कथा आपने सुनी होगी कि जहां पर एक व्यक्ति सर्कस में कार्य करता था थोड़ा अवस्था अधिक हुई तो महात्माओं के सत्संग में जाने लगा और दीक्षा भी ले ली
और दीक्षा में उन्होंने मंत्र बता दिया और ये कहा कि बिल्कुल शांत होकर के स्थिर भाव से बैठ करके माला करो, तुम इस मंत्र का जप करो, चंचलता से अपने आप को मुक्त करो। और वो आदेश मान करके गुरुदेव ने कह दिया भगवान के मंदिर में भीतर बैठ के एकाग्रता से जप करो। और वह जब जप करने लगा तो जीवन भर जो शरीर के ही कर्तव्य दिखाता रहा था, अब उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल स्थिर बैठना और बैठ करके किसी रूप और ध्यान में तन्मय होना बड़ा कठिन। और थोड़ी देर में वो उठ गया, घबरा गया, और तब उसका जो पुराना अभ्यास था, तब वो जैसे सर्कस में कार्य किया करता था वही करने लगा। उसी प्रकार की उछल कूद और जो जिस तरह के विचित्र विचित्र कर्तव्य, और गुरु जी ने सोचा कि आज वो इतने देर जप में डूब गए क्या हो, पर जाके जब देखा कि वो तो सर्कस के कर्तव्य कर रहा है, तो लगा कि मैंने जप करने के लिए कहा कि सर्कस के कर्तव्य कर रहा है, बड़ा समझे। पर जब उन्होंने देखा भगवान की मूर्ति को तो दिखाई पड़ा कि भगवान खूब मुस्कुरा रहे, और उनको ऐसा निर्णय लिया कि शायद इन देशों को देख के भगवान ताली भी बजा रहे हैं। और तब तुरंत वो लौट आए, और जब वो आया प्रणाम करने तो कहा कि भाई तुम्हारी साधना और सर्कस ही है, तुम्हें जप की आवश्यकता नहीं है। अब मैं कहता हूं कि तुम जप करो, पर तुम्हारे कर्तव्य से भगवान को अगर हंसी आती है, प्रसन्नता होती है, तो वही तुम्हारी साधना। उसका तात्पर्य यही कि साधना प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक जैसी नहीं होती। तो हम जब सापक ताड़क परुष बनता कहते हैं तो उनके सामने मानो यह संकेत होता है कि तुमने दुर्वासा क्रोधी है, केवल इसी ओर दृष्टि डाली, तुम्हारी क्या वृत्ति थी, तुम्हारा क्या व्यवहार था, तुम्हारा संस्कार क्या था, और उसके अंतःकरण में जो विपरीत वृत्ति है उसको मिटाने के लिए प्रभु वाक्य कहते हैं। पर ये थोड़ी का ऐसा उपदेश नहीं है कि जो समान रूप से प्रत्येक प्रसंग में जोड़ा दिया जाए, और ये कहा जाए कि भगवान तो बड़े अनुचित पक्षपाती है कि उन्होंने ऐसा शब्द कह डाला। यह कवन जैसे व्यक्ति के लिए अवंतर यही है कि गौतम ने अहिल्या जी को श्राप दिया, पर भगवान के चरणों की चरण धूल के स्पर्श से अहिल्या अगर चेतन हो गई तो अहिल्या ने नहीं कहा कि अरे पतिदेव तो बड़े कठोर स्वभाव के थे, उन्होंने थोड़ी सी बात पर मुझे पत्थर बना दिया, आप कितने कोमल हैं कि आपने तो मेरा उद्धार कर दिया। अभी तो अहिल्या ने यही कहा, मुझे शाप जो कीन्हा अति भल कीन्हा परमानुग्रह में, हमारे पतिदेव ने जो शाप दिया वो भले ही कठोर प्रतीत हुआ हो पर कितनी बड़ी कृपा थी, इसका परिणाम हुआ कि आपको पाने के लिए कितनी साधना करते हैं लोग, तपस्या करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, पर उस साप का ही तो परिणाम हुआ कि यही मैं पड़ी रही और स्वयं आप आए, आकर के आपने धन्य बनाया, मैं अपने प्रतिदेव की आभारी। तो कबर के हृदय की वृत्ति को सामने रख करके ही यह वाक्य कहा गया। यह कोई रामायण का या श्री राम का सिद्धांत नहीं है, और इसका पता कैसे चलता है, वो समझ कि ग्रंथ को आप किसी एक प्रसंग के माध्यम से अगर समझने की चेष्टा करेंगे, पढ़ेंगे तो आपके मन में बहुत से प्रश्न, सारे ग्रंथ को आप पढ़िए और उसको आद्य पांत मिला करके देखिए किस प्रसंग में, किस व्यक्ति को, किस परिस्थिति में उन्होंने क्या कहा। और इसीलिए गोस्वामी जी कैसा जोड़ते हैं, क्या उलता ही दे गति राम उदारा, कह गए सबरी के आश्रम बहुधा, कवंद को गति देने के बाद भगवान शबरी के आश्रम में जाते हैं। अब जानते ही होंगे शबरी जो है शबर जाति की एक वनवासिनी, और वो शूद्र में भी अति शूद्र के रूप में मानी जा सकती है, पर कबंध को गति देने के बाद अगर भगवान किसी ब्राह्मण के चरणों की पूजा करते, उनको प्रणाम करते तो बात थी,
और इतना ही नहीं, जब शबरी जी ने भगवान से कहा कि महाराज मैं आपकी स्तुति किन शब्दों में करूं, मैं तो अधम जाति, मैं जड़मति भारी, मैं तो नीच जाति क्यों। जो भगवान अभी जाति की महिमा बता चुके थे, सबसे पहले शबरी जी से उन्होंने उसी का खंडन किया। शबरी तुमने कहा कि मैं नीच जाति क्यों, मैं नारी हूं, क्या तुम समझती हो कि मेरे लिए मेरी दृष्टि में जाति का महत्व है, पंथ का महत्व है, किसी धर्म का महत्व है, तो भाइयों में आपको क्या पढ़ने को मिलता है। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगत कर रहा। और जिन बातों का उन्होंने निषेध किया वो ठीक अभी जो पहले कह चुके थे से उल्टा, बोले जात पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई। समाज में इनका महत्व होगा, पर मेरे लिए तो जैसे कोई बादल जल रहित हो उसी प्रकार से वो व्यक्ति है। मैं तो केवल एकमात्र भक्ति का नाता मानता हूं। कमल की मनोवृत्ति को सामने रख करके प्रभु से अलग बात कहते हैं। शबरी के दिव्य स्वभाव के समक्ष प्रभु का एक हृदय स्पर्शी दूसरा भाव प्रकट होता है। और यही भगवान राम के चरित्र की विचित्रता जो है, वो जो व्यक्ति सामने होता है वे सबका कल्याण चाहते हैं, पर वे जानते हैं कि सबका कल्याण एक ही पद्धति से नहीं हो सकता, एक ही मार्ग से नहीं हो सकता, एक ही मान्यता से नहीं हो सकता। और यही अंतर उन्होंने हनुमान जी और अंगद में किया। हनुमान जी ने जब सारे बंदर विदा होने लगे तो अयोध्यावासी कल्पना कर रहे थे कि हनुमान जी भी कहेंगे कि आप मुझे जाने की आज्ञा न दीजिए, पर प्रभु ने उनसे जाने के लिए नहीं कहा। और जब सारे बंदर जाने लगे तो भी चल पड़े, तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि हनुमान जी से तो जाने के लिए कहा भी नहीं गया, उनकी विदाई भी नहीं की गई। सबके लिए अलग अलग वस्त्र थे और भरत जी ने लक्ष्मण जी ने जिसको जो सौंपा गया था वो विदा करते समय वो वस्त्र पहनाया, विदा किया। हनुमान जी के लिए तो कोई वस्त्र ही नहीं सिला था, कोई विदाई थी ही नहीं। और अंगद चरणों को पकड़ रहे हैं और व्याकुल स्वर में निवेदन कर रहे हैं और प्रभु जो है भला तुम्हें विदा कर देते हैं। तो दुसरती जी ने तो कह दिया कि क्या कहे, कुल से ऊंचाई कठोर अति कोमल कुसुम ऊंचाई, चित्त खगेश राम कर समझ पड़ई तो उनका उनका जो चित्त है वो पुष्प से कोमल। और कभी कभी लगता है कि वज्र से भी अधिक कठोर। तो अंगद को विदा करते समय भगवान जानते थे, हनुमान जी के विषय में ज्ञात था ये सर्वत्यागी है, इनके जीवन में कोई आकांक्षा नहीं है, किसी प्रकार की भूख नहीं है। और अंगद के विषय में जानते हैं कि अंगद में अनेक विशेषताएं हैं, अनेक गुण हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी मानसिक ग्रंथियां हैं और उन ग्रंथियों के कारण ही वो यहां रहना चाहते हैं। अंगद और सुग्रीव में एक प्रकार की दूरी थी और अंगद को ये आशंका रहती थी कि अवसर होते ही सुग्रीव ये चाहेंगे कि वो तो बड़ा अन्याय हुआ कि राज्य तो उन्हें दिया गया, पर वो राज्य देने के पश्चात श्री राम ने ये राज मुझे बना दिया तो उन्हें कष्ट जरूर होगा, ऐसा नहीं बढ़ने नहीं आता, पर उन्हें प्रतीत होता कि वे सोचते होंगे कि अब पिता के बाद मेरे बाप को मेरे पुत्र को राज्य मिलना चाहिए, पर यह राज्य अंगद को युवराज पद दे रहे हैं, इसलिए उनको लगता है कि सुग्रीव तो कोई अवसर ढूंढते रहते हैं कि कोई ऐसी बात हो जाए कि अंगद को हम समाप्त कर दें। ये आपको स्कंदाकांड में पंक्ति मिलेगी, जब उनके मुंह से आप वो वाक्य पढ़ते हैं कि जब उन्होंने कहा कि पिता बधे पर मारत मऊ राठो राम निहोर रहो, पिता का वध करने के बाद यदि मेरी रक्षा हुई तो श्री राम की उदारता थी, उनका वश चलता तो दो मुझे, यही चाहते कि इनकी भी मृत्यु हो जाए। तो प्रभु जानते थे कि उनके पास रहने में एक सुग्रीव का भय है, आशंका है और एक प्रकार की मानसिक दूरी है, इसलिए भी चाहते हैं माना जाए। पर प्रभु जानते हैं मन की बड़ी विचित्रशा होती है, कभी मन में जात की वृत्ति आ जाती है, कभी वैराग्य आ जाता है, कभी मनुष्य सबको छोड़ देने के लिए बेचैन दिखाई देता है,
और अगले क्षण उसके जीवन में लालसा उदित हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में प्रभु इसको जान करके मानो यह जानते हैं अंगद अगर यह रहेगा तो कुछ दिन के बाद अवश्य घर की आ जाएगी।